सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो आज के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हैं, पब्लिक हेल्थ एक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल भी जो पार्लियामेंट्री पैनल कमेटी है उसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, उसको हम लोगों ने देखा था कि सर्टेन जो रिकमेंडेशंस हैं, कौन कौन से रिकमेंडेशंस हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड। कुछ पॉइंट्स आज है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पैंडमिक और इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्टसी कोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के अंदर जीएस पेपर 2 के अंदर आ सकता है। ये जो है पैंडमिक एंड आईबीसी आर्गुमेंट के रूप में इकोनॉमी सेक्शन में आपका सकता है। आईआर का टॉपिक है, नेपाल के पॉलिटिकल क्राइसिस को डिटेल में वी विल अंडरस्टैंड। जैसे अगर आप देखोगे दो तीन दिन से ऐसे लगातार न्यूज़ आ रही थी नेपाल के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में, थोड़ा थोड़ा न्यूज़ आ रही थी, सो आई सेड कि इस पर एक अच्छा एडिटोरियल आएगा, उसके बाद हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एक साथ पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बारे में। दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। एक डेटा आपका आया, उस डेटा से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो तिब्बत से रिलेटेड यूएस ने एक लॉ बनाया है, आईआर का टॉपिक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स में भी और मेंस दोनों में ही। प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है फायर फ्लाई डाइवर्टर क्या होता है, और मेंस में क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, ऐसा कुछ प्रश्न बन सकता है। लिपर्ड पॉपुलेशन के बारे में कुछ छोटी चीज़ें और भी हैं, जैसे लीजन अवार्ड एंड ऑल, वो भी कुछ छोटे टॉपिक्स हैं। और आखिर में आई विल गिव यू द मेंस क्वेश्चन। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप 80 प्लस एजुकेटर्स से आप जुड़ सकते हैं। कई कोर्सेस अभी लॉन्च हुए हैं, बैच कोर्स आपके लॉन्च हुए हैं, इंडिया के टॉप 80 प्लस एजुकेटर्स का पार्ट है और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी ये शुरुआत हो चुकी है 21 दिसंबर का, लेकिन अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो जो क्लासेस हुई उनकी आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। यूज दिस कोड एसपी लाइव और आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आप यूपीएससी जीएस का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, 2022 है या 2023 है, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बैच लॉन्च किया गया है, इंडिया के बैच कोर्स लॉन्च किया। बैच कोर्स का फायदा यह है कि आप एक प्लान्ड तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, टेकिंग करंट अफेयर्स जैसे इकोनॉमी है, पॉलिटी है, एनवायरमेंट इकोनॉमी से जैसे सेक्शन है, प्रतीक सर हैं, मृणाल सर, सिद्धार्थ सर, कोटवे सर हैं। सो डैट आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है, सो इसको आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। सो आप 2021-22-23 की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी से आप जरूर से जुड़े और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। यूज़ द कोड एस पी लाइव। एग्रीकल्चर ऑप्शनल जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ऑलरेडी आपका लॉन्च हो चुका है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी। 9:30 PM को आपकी क्लास होगी, जनवरी 5 से कोर्स शुरू हो रहा है। 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 21 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास मौका है कि आप अपने ऑप्शनल को कंप्लीट कर लें, क्योंकि इससे काफ़ी अधिक एक कॉन्फिडेंस आपको आएगा। और इसके लिए आपको सेपरेट अगर है तो इसको आपको जो है ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेना। अभी अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट है, मतलब जीएस और उसका साथ में लेते हैं तो ऑप्शनल का, तो उसमें भी कुछ ऑफर चल रहा है तो उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसका भी प्राइस हाइक होने जा रहा है तो उसको भी मिस नहीं करना। सो इस सेशन का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल डेली डोज विद एस डॉट पांडे। एसपी करंट अफेयर्स में जो है इस सेशन का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेली डोज विद एस डॉट पांडे में आपको इसका जो आपको अपना आंसर सेंड करना है, ठीक है, एसपी करंट अफेयर्स में आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर, क्योंकि इसमें सिर्फ पीडीएफ ही है और इस पर आपको अपने आंसर सेंड करना है। दोनों टेलीग्राम चैनल unacademy.com/@thereteasplay में मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, आप में से कई स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन, तो देखो डिपेंड करता है कि टॉपिक्स कितने आते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा है कि ड्यूरेशन जो सेशन का आपका है उसमें जो सबसे चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट मैटर होता है वो है कि आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए और जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं वो आपके कवर होने चाहिए। आज काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। कल से आपका सेशन लाइव होगा, ठीक है, आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा 9 AM को आपका सेशन, जैसे पहले हुआ करता था, क्योंकि अब पूरी चीज़ें सही हो गई हैं। सो कल से हम लोग लाइव सेशन करेंगे, बट ये जो एक ड्यूरेशन था काफ़ी लंबा ड्यूरेशन था जिसपे हम लोगों ने रिकॉर्डेड सेशन जो है वो देखे और कोशिश की गई है कि आपका कोई भी सेशन मिस नहीं हो, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो। सो आई होप आप लोग अपना जो नोट्स जरूर से आप लोगों ने बनाया होगा और अपना रिवीजन भी आपने जरूर से किया होगा, ठीक है। सो देखते हैं
पहला टॉपिक पैंडमिक एंड रेजिलियंस के ऊपर। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो रिकमेंडेशंस हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, सो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने बात की है कि वी नीड अ पब्लिक हेल्थ एक्ट, हमें एक पब्लिक हेल्थ एक्ट की ज़रूरत है। कुछ रिकमेंडेशंस जो कमेटी ने दिया था कल के सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया। सो आज का जैसा समय है, जैसे COVID-19 की महामारी है, इतनी बड़ी बीमारी है, तो इसको डील करने के लिए आपको ऐसा कुछ एक्ट की ज़रूरत है। बहुत सारे इश्यूज आपके एराइज होते हैं, जैसे सपोज़ करो आप इंश्योरेंस की बात की जाए, इंश्योरेंस जो दिया जाता है कि जिससे कि क्योंकि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्प्रेड नहीं है, इतनी इस पर उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन आपका ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर का इतना अधिक पार्टिसिपेशन हो जाता है, पेनिट्रेशन हो जाता है, सो क्या पब्लिक जो आप ये कह सकते हैं जो सिटीजन्स हैं, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? अगर प्रॉफिटेबिलिटी पर प्राइवेट सेक्टर बहुत अधिक फोकस करता है, सो हो सकता है कि जो अफोर्डेबिलिटी पार्ट हो, वो अफोर्डेबिलिटी पार्ट आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो इसको मीट करने के लिए ज़रूरी क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, बट कुछ कई बीमारियाँ COVID-19 है, या एज लिमिट रख दी जाती है कि इंश्योरेंस एक्सेप्ट ना करना, या कई सारे कॉम्प्लेक्स सिटीज़ आपकी रहती हैं। तो अफोर्डेबिलिटी पार्ट को इंक्रीज़ करने के लिए जैसे आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है ना, तो हमारा जो एक फ्रेगमेंटेड हेल्थ सिस्टम है, अलग अलग, चाहे वो टर्शरी से रिलेटेड, चाहे वो सेकेंडरी से रिलेटेड, चाहे वो प्राइमरी से रिलेटेड, एक फ्रेगमेंटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको एक साथ लेकर आना जरूरी, उस पर रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है। जब पैंडमिक आपके अराइव हुआ, तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल की 2019 का जो डेटा है, उसने कहा कि 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स फॉर 1000, जो कि बहुत ही कम है कंपेरेटिवली। आपको जिस तरीके की सिचुएशन है, उसमें जो ये अवेलेबिलिटी है वो हायर होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखोगे 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स हैं 1000 लोगों के लिए। अंडर इन्वेस्टमेंट काफ़ी रहा है, जैसे अगर देखा जाए तो 1.13% जो GDP का है, इतना इन्वेस्टमेंट है। कहा जाता है सोल्यूशन इसके लिए क्या है कि अराउंड 2.5% ऑफ द GDP इन्वेस्ट होना चाहिए, और इवन जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है, मतलब वो भी प्रॉफिटेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस करता है, और प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, तो जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है उसको इम्प्रूव करना भी बहुत आपको ज़रूरी है। रूरल एरियाज़ की बात की जाए, तो वहाँ पे है ना, और भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं है ना, उतनी अच्छी है नहीं है। कई सारे जो जैसे नर्सेस हैं, मिडवाइफ्स हैं, बहुत सारे जो एक हेल्थ स्टाफ है वो भी अवेलेबल आपका नहीं है। इवन अर्बन वर्कर्स फ्लेड टू देयर विलेजेस अफ्रेड ऑफ द कॉस्ट ऑफ फॉलिंग सिक इन सिटीज़। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर आपका बन जाता है कि जो अर्बन वर्कर्स हैं उन्होंने फ्लेड टू देयर विलेजेस है ना, क्योंकि उनको ये भी डर है कि मे बी जैसे जो कॉस्ट है, अगर सपोज करो कि इवन अगर देखा जाए तो हर अर्बन एरियाज़ में अगर किसी कोई बीमार भी होता है, तो उसका जो कॉस्ट एक हायर साइड में है। अगर किसी को COVID-19 की बीमारी हो जाती है, तो हॉस्पिटल्स में बेड ना मिलना, और भी कई सर तरीके के चैलेंजेस आपके होते हैं। तो इस चैलेंज से बचने के लिए लोग माइग्रेट करके भी अपने गाँव में जाना उन्होंने शुरू कर दिया था। दूसरा कहा गया कि एक लॉ लाने की ज़रूरत है जो कि कर्ब करे प्रॉफिटियरिंग, जैसे क्राइसिस के सिचुएशन में ये बहुत पॉसिबिलिटी का एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, क्योंकि जब भी क्राइसिस की ऐसी सिचुएशन है तो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से अगर पूरा जो सिस्टम है वो उसमें प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है, तो एक ऐसा लॉ लेकर आना ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी तरीके से जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो प्रॉफिटेयरिंग है, उसको अवॉइड किया जाए। हमने ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की बात की है, और इसमें हमें इंश्योर करना पड़ेगा राइट टू हेल्थ को, जैसे जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन्हें हमें 2030 तक अचीव करना है, सो हमें फोकस करना पड़ेगा टूवर्ड्स राइट टू हेल्थ, एक फुल लीगल और जस्टिफिएबल राइट इंश्योर करना पड़ेगा अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी। सो इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए आप पब्लिक जो रिकमेंडेशंस आपकी दी गई हैं कि पब्लिक हेल्थ एक्ट एक सेपरेट आपका होना चाहिए, सो ये ज़रूरी भी आपका हो जाता है, ठीक है। सो ये कुछ एंगल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। एमंग द कमिटीज ऑब्जर्वेशन, सो अलग अलग जो ऑब्जर्वेशन है, तो एक पॉइंट कहा गया इंश्योरेंस कवर की बात की गई है, इंश्योरेंस कवर्स को फर्दर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी क्योंकि
प्राइवेट सेक्टर का अगर पार्टिसिपेशन है तो ख़ास तौर से COVID-19 की इस सिचुएशन में अगर लोग जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसको एक्सेस नहीं कर पाते और एक्सेस कर पाते हैं तो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो अफोर्डेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंश्योरेंस कवर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर अगर किसी का इंश्योरेंस कवर है सो वो जो कॉस्ट है वो कंपनी आपकी बियर करती है। पैंडमिक के इम्पैक्ट की बात की जाए तो सबसे एक ज़रूरी है वो यही है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो प्रीमियम है वो कम होना चाहिए। अगर सीनियर सिटीजन्स इंश्योरेंस लेते भी हैं तो प्रीमियम बहुत हायर साइड में नहीं होना चाहिए। देखा गया है कि इस समय जो अभी फ़िलहाल का जो पैंडमिक का समय है उसमें प्रीमियम तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, इवन अप टू 25% से ज़्यादा आपका इंक्रीज़ हुआ है। साथ में IRDAI की इंश्योरेंस रेगुलेटर ने एज लिमिट भी लगाई है। देखो एक क्या होता है कि अगर सपोज़ करो कोई 25-30 ईयर्स का है अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो ये कंपनी को भी पता है कि उसको मतलब अगर 100 हैं ऐसे लोग तो 5-6 को तब उनका कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, बाकी से वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये एक बिजनेस है इंश्योरेंस का। सो यहाँ पे जो ज़्यादा एज के हो जाते हैं 65-70 ईयर्स तो उन्हें इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलता, अगर होता भी हो तो बहुत हायर प्रीमियम आपका होता है। और यहाँ पे IRDAI ने जो है एज लिमिट लगा के ये भी हो सकता है, मतलब ये भी एक बड़ी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जो वो एक्सेस कर पाएँ कि वो जो है जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सपोज़ करो एक्सेस कर पाए या जो टर्शरी और सेकेंडरी फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल्स की है ना, इन लेवल की जो हॉस्पिटल्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको जो एक्सेस कर पाए तो उसमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि अभी मान लो कोई 66 ईयर्स का है अब वो इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होता और कोई बीमारी हो जाती है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये जो लिमिट लगाई गई है 65 इसको हटाने की ज़रूरत है। इसके बाद कहा गया कि गवर्नमेंट एज अ सिंगल प्लेयर इफ़ नॉट सोल केयर प्रोवाइडेड एट प्रेजेंट वुड बी बेटर एबल टू रेजिस्ट द कमर्शियल प्रेशर इन डिटरमाइनिंग कॉस्ट। कमर्शियल प्रेशर क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट पर वर्क करता है सो उस प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है एक लेवल तक ठीक है लेकिन वो एक्सप्लॉयटेशन के लेवल तक ले जाना सही नहीं है। इवन जो एसेंशियल ड्रग्स हैं एसेंशियल ड्रग्स के प्राइसेस बहुत हाई हो गए तो इसको देखना ज़रूरी है। अगर कई दवाइयाँ सपोज COVID-19 से दूसरी बीमारियाँ जो अभी हो रही हैं तो अगर उसका प्राइस बहुत हायर साइड चला जाएगा तो उसको फिर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और अगर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो अगेन उनको कई हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जो सबसे ज़रूरी है कि हमें जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर खर्चा करना ज़रूरी है। जो अभी 1.2 के आसपास है तो उसको 2.5% ऑफ द GDP इतना खर्चा अगर हम करते हैं तभी पॉसिबिलिटी हो पाएगी कि जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट है डिलेइंग द इनएविटेबल, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है और IBC से रिलेटेड अभी जो डेडलाइन है उसको बढ़ाया गया है तो उसमें क्या आर्गुमेंट दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। सो देखो March 24, 2020 को लॉकडाउन आपका अनाउंस किया गया, ठीक है इकोनॉमी का आपका टॉपिक है लॉकडाउन अनाउंस किया गया। ये जो लॉकडाउन आपका अनाउंस किया गया है तो मतलब जैसे बहुत सी ऐसी बिजनेस हैं वो उससे अफेक्ट हुए हैं। कई जो बिजनेस हैं वो बिजनेस रन कैसे होते हैं, बिजनेस रन बेसिकली कैसे होते हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से ऐसा लोन लेंगे बिजनेस, अब बिजनेस रुके हुए हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सो ये लोन का जो इंटरेस्ट है उसको वो पे नहीं कर पाते, जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट को वो पे नहीं कर पाते। अगर वो इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाते तो बैंक के पास ऑप्शन होता है कि वो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू कर सके। तो इसके लिए जो बिजनेस रन नहीं हो रहा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लॉकडाउन, इसको लॉकडाउन को किसने कराया, सरकार ने। सो ये इनका ही कहना है कि हम ऐसा क्यों हम इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर आपने वो एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड किया है जिसमें बिजनेस रन हो सके सो इसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये लोग भी लगातार डिमांड कर रहे थे कि जो इंटरेस्ट हमें पे करना या लोन रिटर्न करना उसके लिए जो समय है ये समय इनको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे समय को इंक्रीज़ किया गया और जैसे एक सपोज़ करो आपने लोन लिया बिजनेस या इंडिविजुअल जिसने भी लोन आपका किसी कंपनी ने लोन लिया और अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है मतलब वो पे नहीं कर पाता तो एक सर्टेन लिमिट के बाद उसके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू की जाती है अंडर IBC इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के तहत। तो ये March 24th में ही इसमें ये लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया 1 लाख से 1 करोड़ रुपीज़ और धीरे धीरे समय को बढ़ाया गया है ना, पहले
अप्रैल तक किया गया, फिर उसके बाद आपका 6 मंथ के लिए और बढ़ाया गया, अब फर्दर इसको इंक्रीज़ करना है ना किया जा रहा है, आई थिंक 1 ईयर फर्दर आपका इंक्रीज़ किया जा रहा है, 1 ईयर लिमिट अब आपका जैसे लॉ परमिट भी करता है, IBC जो कोड है वो परमिट भी करता है अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टेंसेस है, सो ये 1 ईयर फर्दर शायद अब जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो पहले आपने 1 महीने के लिए किया, फिर आपने 6 मंथ के लिए किया, अब जो है दोबारा से 1 ईयर के लिए करा, तो इस टाइम पीरियड में जो IBC प्रोसीडिंग्स हैं वो आपकी जो जो भी जिन्होंने लोन लिया तो उनके ऊपर नहीं चलेंगे। तो बिज़नेस जो कर रहे हैं, जो बिज़नेस आपका जो कर रहे हैं, सो उनको उनके लिए भी एक थोड़ी सी रियायत हो जाती है कि जो भी प्रॉफिटेबिलिटी उनके लिए हो रही है इस समय इस एनवायरनमेंट में, उस पैसे का इस्तेमाल अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने में वो कर सके, ना कि बैंक के लोन पेमेंट के लिए। लेकिन दूसरा पॉइंट आपका हाईलाइट किया गया कि एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि सरकार का जो दावा है या गवर्नमेंट का जो एक ओपिनियन है कि हम लोग एक वी शेप्ड रिकवरी की तरफ मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी का मतलब क्या है कि पहले आपकी इकोनॉमी नीचे जा रही है और अब आप ऊपर जा रहे हो, ऐसा हम मान रहे हैं कि ठीक है हम वी आर मूविंग टूवर्ड्स वी शेप्ड रिकवरी। तो अगर हम वी शेप्ड रिकवरी की तरफ जा रहे हैं तो ये टाइम एक्सटेंड करने की क्या ज़रूरत है, एक ये ओपिनियन दिया गया। दूसरा कहा गया कि अगर कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे, ठीक है, जैसे हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कुछ बिजनेस है जो रिकवर नहीं हो पाए, बट आपने कहा कि कई डेटा आपके क्लेम कर रहे हैं कि कई ऐसे बिजनेस हैं जो रिकवर कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कई बिजनेसेस आपके जो सेक्टर्स हैं वो रिकवर कर रहे हैं तो सभी जगह पे ये जो एक्सटेंशन आपने प्रोवाइड कर दी है IBC की प्रोसीडिंग ऊपर नहीं लगेगी, सो इस एक्सटेंशन को सेलेक्टिव वे में करने की ज़रूरत है जिससे कि बैंक्स को इतना लॉस ना हो, ठीक है, क्योंकि इसका फ़ायदा फिर दूसरे भी उठा सकते हैं, मतलब देखा जाए तो दूसरे भी ऐसे जो इवन पे भी कर सकते हैं लोन को वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं कि वो जानबूझ के विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वो बन जाए या जानबूझ के पे ना करें। सो एक सेलेक्टिव अप्रोच अपनाने की जो ज़रूरी है ना, तो अगर लार्जर लोन अकाउंट है तो उस पर काफ़ी पैसा ले लिया तो उस पर प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है, ये ज़रूरी है। एक साथ सब पर सस्पेंशन लगाना इससे होगा क्या कि जो बैंक का बर्डन है वो आपका इंक्रीज़ हो सकता है, तो ये एक आर्गुमेंट आपका दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक IR का है, वो है नेपाल में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, नेपाल पॉलिटिकल क्राइसिस, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और ख़ास तौर से कल भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स आपसे मैंने डिस्कस किए थे नेपाल के जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके बारे में, तो इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। सो आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली, उन्होंने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट को कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाए। अब देखो जैसे हमारे हमारे देश के अंदर कोई सरकार चुनकर आती है तो उसको टेन्योर 5 ईयर्स का मिलता है, वैसे नेपाल में भी जो भी सरकार आपकी आती है उसे 5 साल का टेन्योर मिलता है, लेकिन 5 साल से पहले ही 2.5-3 साल के अंदर ही जो वहाँ की सरकार है मेजोरिटी होने के मौजूद भी उसने डिसॉल्व करने की बात कर दिया, मतलब रिकमेंड कर दिया है, प्रेसिडेंट ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसके लिए रीज़न दिया गया कि एक रीज़न है कि इंट्रा पार्टी कॉन्फ्लिक्ट, विद इन पार्टी आपका जो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर ही कन्फ्लिक्ट है, फिर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जो है ना KP शर्मा ओली, उनका एक ऐसा बिहेवियर है कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल जो मैनेजमेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं, मतलब जो पार्टी को भी आप मैनेज कर पा रहे हो अच्छे से, सरकार को भी मैनेज कर पा रहे हो प्रॉपरली, तो ये एक जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है उसकी जो है लैकिंग है, ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो मिस्टर ओली हैं उनको ऐसा लगा कि उनके पास अभी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए उनके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जितने भी दूसरे प्लेयर्स हैं चाहे वो उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के हों, जैसे मान लो स्टैंडिंग कमेटी, सेंट्रल कमेटी, जो इम्पोर्टेंट पार्टी के जो उनकी नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जो दूसरे प्लेयर्स हैं उन्हों सारे जो है मिस्टर ओली का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और पार्टी का ये मानना है कि जितने भी डायरेक्शंस पार्टी के द्वारा दिए गए हैं उन सारे डायरेक्शंस को मिस्टर ओली जो है उन्होंने डिफाई किया, उसको नहीं माना है। सो इस वजह से बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी जो मिस्टर शर्मा हैं या ओली हैं उनके खिलाफ़
गए हैं, ठीक है, अपोज भी किया है। और मिस्टर ओली, उनको ये लगा कि अगर ये सब एक साथ हो जाते हैं तो हो सकता है कि उन्हें अपनी पोजीशन को छोड़ना पड़े, लेकिन अगर सरकार डिसॉल्व हो जाती है तो फिर दोबारा से आपके इलेक्शंस होंगे और उनकी जो पार्टी है, जैसे अभी जो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें भी कम्युनिस्ट पार्टी के दो जो फैक्शंस हैं वो साथ में आए थे, तो वो फिर दोबारा से इलेक्शन में जाएंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी अगर वो स्टेप डाउन करते हैं तो दूसरा पर्सन जो है, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो बड़ी पोजिशन, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। सो हो सकता है इस डर की वजह से ऐसा कदम आपका उठाया गया है। तो देखा जाए तो दो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल लेड बाय मिस्टर ओली एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट लेड बाय पुष्पा कमल दहल प्रचंडा। लास्ट ईयर देखा गया था कि बोथ मिस्टर ओली एंड मिस्टर प्रचंडा वे टू सर्व एज अ चेयरमैन ऑफ न्यू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अंटिल द नेक्स्ट पार्टी कन्वेंशन, तो दोनों को ही चेयरमैन बनाया गया था। तो ये भी कहा गया था, एक ये भी था कि एक लीडर एक पोजिशन को होल्ड करे, बट जो मिस्टर शर्मा ओली हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप भी मेंटेन रखी और चेयरमैनशिप भी मेंटेन की, तो इसको भी थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। दूसरा कहा गया कि दोनों पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उन्होंने कहा था कि पावर को सर्टेन शेयरिंग, पार्टी लेवल पे ये प्रेजेंट रहेंगे, सरकार पे ये देखेंगे, इस तरीके की चीज़ें थी आपकी। एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट भी हुआ था बट उसको मेटरलाइज प्रॉपर नहीं किया गया था। मिस्टर ओली जो है उनके कई सारे ऐसे डिसीजंस आपके हुए हैं अब फिलहाल जो 3 साल के टाइम पीरियड में देखने को मिला है कि जो एक गवर्नेंस मॉडल है वो गवर्नेंस मॉडल प्रॉपर नहीं रहा है। और ये कहा गया कि ठीक है अगर मेजोरिटी आती है तो एक स्टेबिलिटी सरकार में रहेगी, लेकिन ये स्टेबिलिटी सरकार में जो स्टेबिलिटी दिखना चाहिए वो स्टेबिलिटी अभी नहीं दिख रही है, कि खाली मैकेनिकल विक्ट्री इलेक्शन में हो जाने से ही और मेजोरिटी आ जाने से ही स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है, और जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए ज़रूरी भी है स्टेबिलिटी, लेकिन जो एक गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक जो प्रॉपर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक लीडरशिप होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, उसकी बहुत बड़ी लैकिंग थी और यही एक रीज़न है इस पॉलिटिकल क्राइसिस का। नेपाल ने काफ़ी सफ़र भी किया क्योंकि जो लीडर्स हैं उनका बहुत ही सेल्फिश इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सोचना, अपने आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन को ज़्यादा फोकस करना, कंट्री इंटरेस्ट को कम ध्यान में रखना, और यही एक फैक्टर है जिस वजह से नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें बड़े बड़े लीडर्स आपके हैं जो नेपाल को रन करते हैं, उनके बीच जो कन्फ्लिक्ट है वो कन्फ्लिक्ट लगातार देखने को मिल रही है। और जैसे इवन कम्युनिज्म को भी अलग अलग फैक्शंस के अंदर देखा जाता है और सब अपने पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ के लिए ही लड़ रहे हैं, और इसी यही एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से इंट्रा पार्टी कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला है। दूसरा जो एक टेन्योर देखने को मिला है मिस्टर ओली का, उसमें करप्शन के चार्जेस भी देखने को मिले हैं। उसके बाद उन्होंने अपना डोमिनेंस मेंटेन करने की बात की है, कई स्कैंडल्स भी आपके सामने आए हैं, जो काइंड ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए वो प्रॉपर गवर्नेंस भी देखने को नहीं मिला। तो इस वजह से मिस्टर ओली के कई सारा उनको क्रिटिसिज्म भी आपको लगातार फेस करना पड़ा है। चाइना की तरफ इनका जो इंक्लिनेशन है वो भी एक बड़ा फैक्टर था। तो ये सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल है जिस वजह से जो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं उनका इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पब्लिक के बीच में भी जो एक फेथ होना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर के प्रति वो भी नहीं रहा है, और यही सारे फैक्टर्स है जिस वजह से ये पॉलिटिकल क्राइसिस की आपकी सिचुएशन आई है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कल से ये चैनल पे वीडियोस आपके आएंगे, द हिंदू इंग्लिश में हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। ये जो हिंदू का सेशन है वो लगातार ऐसे ही चलेगा, और 8:45 और 9 के बीच में आपका जो सेशन पहले लाइव हुआ करता था द हिंदू का, वो आपका चलेगा, ठीक है। सो वो आपका कंटिन्यूस बेसिस पर लाइव सेशन कल से शुरुआत होगी, तो उसको मिस नहीं करना है। इंग्लिश में सेशन आपका द हिंदू का द कंसेप्ट चैनल पे ये आपका शुरू होगा कंप्लीट इंग्लिश में, तो दूसरे बच्चे हैं वो भी आप इसमें जाके देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा एक और पॉइंट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। आई रिक्वेस्टेड यू ऑल कि एटलीस्ट 10 के सब्सक्राइबर होना चाहिए, बट अगेन आप में से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो अगर नहीं किया तो आप ज़रूर से करें, और सेशंस जो भी आएंगे उनका आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड ये GS पेपर 3 का ये टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच के कुछ पॉइंट्स इसमें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिसंबर 12 को मार्क किया जाता है पेरिस एग्रीमेंट आपका,
उसके 5 साल हो गए थे दिसंबर 12 को, और पेरिस एग्रीमेंट में बहुत सारे देश आए थे, उन्होंने कहा कि एमिशन को जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करना है, मतलब ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करना है। एक टारगेट सेट किया कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ऑन एन एवरेज 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर वो उससे ज़्यादा ना इंक्रीज़ हो, इसके लिए कई देशों ने अपना कमिटमेंट भी रखा। और हाल में अभी क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 जिसको हमने अलग से सेपरेट डिस्कस भी किया है, उस पर भी सभी ने फोकस किया और क्या क्या कदम उठाए गए हैं इस चीज़ को देखा गया है। जैसे नेट जीरो एमिशन की तरफ, ऐसा डेवलपमेंट की तरफ हम मूव करना है जो कि जिसमें एमिशन कम से कम रहे और जो कार्बन एमिशन है वो कम से कम रहे। जिसमें अगर देखा जाए तो ये जो समिट हुई थी इसमें इंडिया भी पार्ट था, यूरोपियन यूनियन भी पार्ट था, पेरिस एग्रीमेंट में भी इंडिया भी पार्ट था, यूरोपियन यूनियन भी पार्ट था, और इसी के डायरेक्शन में अलग अलग देशों ने वर्क भी किया है। कुछ डेवलप्ड देशों ने काम किया भी है इसके डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन कुछ ने विड्रॉ किया है जैसे यूएसए ने। सो इसी पर इंडिया यूरोपियन यूनियन दोनों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इस क्लाइमेट एक्शन के लिए क्लाइमेट एक्शन प्लान कैसे लाया जाए जिससे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव कर सके। ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर दोनों इंडिया और यू पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस पैंडमिक के समय में क्या ये पॉसिबल है। लेकिन ज़रूरी क्या है कि ये ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैंडमिक ने एक और रीज़न दे दिया है कि हमें कई प्रकार का जो क्लाइमेट एक्शन है उस क्लाइमेट एक्शन पर हमें आना चाहिए, क्लाइमेट एक्शन एक एक्शन प्लान लेकर आना चाहिए जिससे कि नेट जीरो एमिशन या फिर ऐसा ग्रोथ या डेवलपमेंट की तरफ हम लोग मूव करें जो कि यू कैन से जिसमें कार्बन एमिशन कम से कम हो या मिनिमम हो, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग मूव कर सके। क्योंकि अगर इसी प्रकार से क्लाइमेट चेंज होते रहेंगे तो नए नए वायरस बैक्टीरिया आपके इमर्ज हो सकते हैं जो कि फ्यूचर में और चैलेंजेस लेकर आएंगे। तो कहा गया कि ग्लोबल इकोनॉमी को ग्रीनिंग करने की ज़रूरत है, मतलब हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजी लेकर आएँ जिससे कि क्लाइमेट को कम से कम नुकसान हो। ये आपका ग्रीनिंग ऑफ है ना, ग्रीनिंग है ये है ना, ग्रीनिंग है जिसे हम ग्रीन इकोनॉमी भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट इस प्रकार से लाया जाए जिसमें कम से कम एनवायरनमेंट को डैमेज हो, ठीक है, एमिशन कम से कम हो, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए यूरोपियन कमीशन ने यूरोपियन ग्रीन डील लेकर आए, ये एक न्यू ग्रोथ मॉडल है किस तरीके से क्लाइमेट न्यूट्रलिटी अचीव की जाए ईयू बाय 2050, मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन एमिशन को जीरो तक लेकर जाया जाए बाय 2050। टू रीच क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बाय 2050 ऑन दिसंबर 11 EU leader unanimously agreed on the 2030 target of reducing greenhouse emission by at least 55% compared to 90. तो ये एक कमिटमेंट है जो शो किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो ये एक एग्जाम्पल भी सेट हो सकता है, दूसरे देश भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ये कहा गया कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों ही कमिटेड है फुल है ना, कि जो पेरिस एग्रीमेंट हो पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट हो। कई इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं इंडिया के द्वारा और यूरोपियन यूनियन ने भी सपोर्ट किया, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, द कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, कई प्रकार के ऐसे प्रयास किए गए जहां पे दोनों इंडिया यू पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। अगर दोनों ऐसे देश साथ में आते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो क्लाइमेट चेंज का एक नेगेटिव इंपैक्ट है सोसाइटी पर उसको काफ़ी कम किया जाता है, क्योंकि फाइनली जो सोसाइटी है चाहे वो ग्लोबल लेवल पे है अगर देखा जाए, रीजनल, नेशनल, लोकल, इंडिविजुअल, सो सभी को कदम उठाना पड़ेगा, एक रिकवरी प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना, एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ मूव कर सकते हैं। और इसके लिए ग्लोबल गवर्नेंस को और क्लाइमेट फ्रेंडली होना पड़ेगा, ये एक फोकस किया गया, और इंडिया यू इस एरिया में काफ़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अगेन है, आप में से कई मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का जो नया बैच है ऑप्शनल का वो जनवरी 5 से शुरू हो रहा है। ये ऑलरेडी शेड्यूल आप देख सकते हो, 30th सेशन है तो आपका पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 1 भी इसके बाद आपका शुरू होगा, पेपर 1 की क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो। तो अगर आप 2022-23 की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप मिस मत करो प्लीज़, है ना, और 1 ईयर जो है का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, यूज़ द कोड SPLive, इसके लिए आपको ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर का काफ़ी हाई स्कोरिंग है और आपके लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एक रास्ता खुल जाता है, तो ऐसे ही आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चाइना स्लैम्स US और तिब्बत बिल साउथ चाइना सी ट्रेसपास। तो ये एक बड़ा डिस्प्यूट फाइनल चल ही रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है
जनवरी 19th या 20th जनवरी में वो प्रेसिडेंटशिप से हट जाएंगे पूरे तरीके से, नए प्रेसिडेंट आपके आ जाएंगे जो बाइडेन। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्हीं के अंडर लीडरशिप में कई सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट है। सो यहाँ पे कई डिसीजंस जो इसके अंदर हैं, इस एक्ट के तहत यूएसए के द्वारा ये कदम उठाया गया। ये एक्ट के तहत क्या है कि यूएस का कंसोलिडेट जो है, या आप कह सकते हो कि उसका एम्बेसी टाइप एक छोटा एरिया, तो वो तिब्बत में आपका सेट किया जाएगा। उसके बाद दलाई लामा और उनके उनका जो राइट है कि वो अपने सक्सेसर को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो उसको भी यूएस ने रिकॉग्नाइज़ किया। तो ये ऐसे कुछ कदम हैं जिसको चाइना इससे काफ़ी नाराज़ हुआ है। चाइना का कहना है कि ये उनका एक इंटरनल मैटर है और इसमें वो पार्टिसिपेट ना करें, और यूएसए ऐसा इंटरनल मैटर चाइना के उसमें नहीं आ सकता। ये सब सारी बातें उनके द्वारा कही गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि विद इन तिब्बतन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, तो एक्ट ने जो यूएसए के द्वारा एक्ट लाया गया है, तो उसमें कहा गया कि जो भी डिसीजंस हैं शुड बी मेड बाय द अप्रोप्रिएट रिलीजियस अथॉरिटीज विद इन तिब्बतन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि जो तिब्बतन रीजन है उसको भी चाइना ने ऑक्यूपाई किया, वहाँ बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है, जिस पर कई ऐसे कदम उठाए गए जिससे उनके जो रिलीजियस फ्रीडम है वो कर्ब हुआ। और ये कहा गया एक्ट के द्वारा कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो अप्रोप्रिएट रिलीजियस अथॉरिटी के द्वारा लिया जाए जो कि प्रिवेल्ड है तिब्बतन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के तहत। तो यहाँ पे 14th जो दलाई लामा हैं वो कई जो है ना रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जो सक्सेसर होंगे वही बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को, तिब्बतन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को आगे लेकर जाएंगे। चाइना का कहना है कि ये एक क्लियर वायोलेशन है ऑफ द फंडामेंटल रिलीजियस फ्रीडम ऑफ तिब्बतन बुद्धिस्ट एंड द तिब्बतन पीपल। सो चाइना का ऐसा ही अप्रोच रहता है, जैसे अब इंडिया के इंटरनल मैटर में वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको रहेगा कि हमारे राइट के लिए कर रहे हैं, मतलब चाइना जैसे सक्सकम वैली है या कई अक्साई चीन का इलाका है या अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे वो एंटर होने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे वो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी जो है वो अपनाएंगे, और उनका ये मानना है कि हमारा एरिया है, इस तरीके के वो क्लेम करेंगे। लेकिन कोई दूसरा अगर उनके किसी भी एक इशू पर अगर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा तो उनका यही मानना रहता है कि ये बेसिकली दूसरा देश उनके इंटरनल मैटर्स पर इंटरफेयर कर रहा है। तो ये एक स्टैंड रहता है हमेशा से चाइना का। सो इशू रिलेटेड टू तिब्बत है, ताइवान है, हांगकांग है ना, ऐसा कोई भी ऐसा जो इशू है, ये इशू पर कोई भी, चाहे इंडिया है या यूएसए, कोई भी खास तौर से यूएसए अगर आता है, सो चाइना का कहना है कि वो उसकी सोवेरनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर सकता है, ये उसका इंटरनल मैटर्स है और कोई भी फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इवन साउथ चाइना सी पर भी देखा जाए तो चाइना लगातार अपने प्रेजेंस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। यूएस का एक डिस्ट्रॉयर पास में आ गया था, है ना, स्पार्टले आइलैंड के, जिसे नानशा आइलैंड भी कहा जाता है चाइना के द्वारा, तो उसके एकदम पास में आ गया था, तो फिर उसको भी चाइना ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज आपका किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हेल्थ डेटा शोज इंडिया डज नॉट नीड अ टू चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है, कि इंडिया को टू चाइल्ड पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसको थोड़ा सा, इस डेटा को आप कोट कर सकते हो, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, इसने कहा है, इसने हाईलाइट किया है कि यूज़ ऑफ जो मॉडर्न कंट्रासेप्टिव है रूरल और अर्बन एरियाज़ में वो इंक्रीज़ हुआ है, और इसका जो डिमांड आ रही है उसकी डिमांड को मीट जो किया जा रहा है वो भी आपका उसमें इंक्रीज़ किया गया है। जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न हैं बाय अ वुमेन वो भी आपका रिड्यूस हुआ है। सो इसलिए क्या है कि जो हम एक सोच है कि जिस तरीके से नंबर तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो इट विल रिजल्ट इनटू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी तो रिसोर्सेस हमारे पास है नहीं, रिसोर्सेस नहीं रहेंगे तो फिर कन्फ्लिक्ट के जो रीजंस हैं समाज के अंदर वो कहीं ना कहीं और फर्दर इंक्रीज होंगे। और कई ऐसे सजेशन दिए गए जैसे चाइना ने टू चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, हम भी ऐसे अपना सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को इस सर्वे ने मना किया कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के समय में लोग मॉडर्न कंट्रासेप्टिव रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों जगह इस्तेमाल आपका कर रहे हैं, और इसकी ज़रूरत यह है कि इस डिमांड को और बेटर तरीके से मीट किया जाए। करंट अफेयर का जो सेशन है वो आपका ऑलरेडी 11 बजे क्लास होगा, सो ये भी कोर्स आपका लॉन्च हो गया है, तो इसमें द हिंदू के अलावा दूसरे जितने भी सोर्सेज हैं करंट अफेयर्स के वो आपके डिस्कस किए जाएंगे, तो इसमें आप जीएस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यूज़ द कोड SP Live। नेक्स्ट देखते हैं, फायर फ्लाइज टू शाइन अ लाइट फॉर बस्टर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है ये, फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर,
देखो क्या होता है कि जो हाई टेंशन केबल्स होती हैं जो जाती हैं, तो उसमें बड़ी बड़ी जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसके बहुत ही कम नंबर है, 150 बर्ड्स ही हैं। सो ये आके इस बड़ी बड़ी जो ये लाइनें जाती हैं इनसे आके टकरा जाती हैं रात के टाइम पे। अब ये बड़ी बर्ड्स होती हैं, एकदम से इनके सामने आए तो ये अपना ऐसा डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। छोटी बर्ड्स क्या है कि अगर तेज़ी से उड़ रही हैं तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज, तो ये टकरा जाती हैं। टकराने की वजह से बहुत सारी बर्ड्स मर जाती हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड खासतौर से जो ये थार डेजर्ट का इलाका है, तो वहाँ पे ये बहुत सारी ऐसी बर्ड्स मर जाती है, अराउंड 15% के आसपास डेथ इस वजह से होती है। तो यहाँ पे एक ऐसा ही लाइट टाइप ऐसे लटका दिया गया है जिसे फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर, तो इसको देख के ही बर्ड अपना रास्ता चेंज कर लेगी स्टार्टिंग से, तो टकराने की वजह से जो डेथ है वो नहीं होगी। तो ये जो अप्रोच है इसी को कहा गया है फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यही इसी से रिलेटेड है। इस सेशन का जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हो SP करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल से, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक पॉइंट और भी ध्यान रखो कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर की इस तरीके से डेथ होती है ये टकराने की वजह से होती है, करंट की वजह से नहीं होती है, ठीक है। तो ये टकराए ना, इसलिए उस पर लाइट सी लटका दी गई है कि रात को नजर रहे कि हाँ यहाँ से हाई टेंशन लाइन जा रही है तो बर्ड अपने रास्ते को चेंज कर सके। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट होम 23387, ये भी एनवायरनमेंट का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। तो वेस्टर्न घाट रीजन में अराउंड 3387 लीपर्ड्स हैं, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा 1783 लीपर्ड्स हैं, फिर तमिलनाडु में है ना, ये अभी हाल में स्टेटस ऑफ लीपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के तहत आपका है, तो ये टॉपिक का नाम भी आप ये नोट कर सकते हो, स्टेटस ऑफ लीपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट विद 650 लीपर्ड्स। केरला थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिग कैट्स है, गोवा में 86 है। वेस्टर्न घाट में 3387 लीपर्ड है, टोटल पॉपुलेशन 12852 लीपर्ड्स है। सो इनके नंबर्स भी मेनली जब जैसे टाइगर पॉपुलेशन का असेसमेंट किया गया है तो साथ में लीपर्ड पॉपुलेशन को भी साथ में काउंट आपका किया जाता है, तो मेनली ऐसे एरियाज में जहाँ टाइगर पाए जा आपके प्रेजेंट है वो उस हैबिटेट में आपको आपका जो लीपर्ड्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उन्होंने कई सारे ऐसे दूसरे जो जैसे शिंजो आबे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हैं ना, उनके लिए भी अवार्ड मतलब प्रोवाइड किया है। दूसरा ये है कि इंडिया US रिलेशन को बेटर करने के लिए जो कदम इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उठाया तो उसके तहत ये अवार्ड आपका दिया गया। क्वेश्चन देख लेते हैं, विदाउट सेपरेट पब्लिक हेल्थ एक्ट इंडिया कैन नॉट इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, डिस्कस करना है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। आप अपना जो आंसर है सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल डेली डोज विद S.Pandey। लाइक बटन आप जरूर से प्रेस करें, आप भूल जाते हैं लेकिन आप लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, शेयर जरूर से करें। कल से आपका लाइव सेशन होगा द हिंदू का 9 AM को, तो बिल्कुल उसको मिस नहीं करना जैसे पहले हुआ करता था। अब वो अच्छे दिन हमारे दोबारा से आने वाले हैं क्योंकि अब इशू टेक्निकल सारा रिजॉल्व हो गया है। आज के लिए इतना ही। द कंसेप्ट चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से कर लो। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यूज़ द कोड SP लाइव, ठीक है। कई सारे बैच कोर्सेस आपके लॉन्च हुए हैं, ये जैसे आप देख सकते हो ये बैच कोर्स लॉन्च हुआ है, और एग्रीकल्चर ऑप्शनल का भी कोर्स आपका लॉन्च हो चुका है, January 5 से आपकी क्लास है, उसको भी मिस नहीं करना है। Paper 2 से हम लोग शुरू करेंगे, आपके लिए IFS का रास्ता भी खुल जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, यूज़ द कोड SP लाइव। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।